हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग में मैच बनाने जा रहा हूँ अपनी कोयल के लिए ब्रीडिंग हाउस। तो मैंने उसका पहले ही बना लिया था। आज मैंने उसके लिए जो बना जगह बनानी है ना, वो बनानी है मैंने उसकी, समझिए अंडे देने की जगह बनानी है। और वो मैंने सोचा एक टायर को रख के उसके अंदर रेत को बिछा के मैं एक प्यारा सा घर बनाएंगे। तो चलते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इसके लिए यही जगह पूरी खोल देता हूँ और ये यहीं पर खुली रहने देता हूँ, इसे कुछ भी नहीं करता और ठीक है ना। लेकिन अब मैंने ये देखा कि ये यहाँ पर भी अंडे नहीं देगी, क्योंकि ये सीधा फर्श है। ये अंडे ऐसी जगह पर देगी जहाँ पर इसको अंडे ये वहाँ पर देती है हमेशा कोयल, जहाँ पर इसके छुपने की जगह और वहाँ पर जो छुप सके और छुप के अंडे देती है। जैसे मुर्गी के लिए जगह बनानी पड़ती है ना अंडे देने की, वैसे कोयल के लिए बनानी पड़ती है, लेकिन कोयल के लिए थोड़ी छुपी बनानी पड़ती है। तो आप सबसे पहले ना इस जगह को थोड़ा सा साफ करना होगा। ये सामान वगैरह निकाल के बाहर रखते हैं, खुराक के बाहर रखते हैं, और जो बाकी सामान है ना एक्स्ट्रा उसको निकाल के वहाँ पर फेंक देते हैं। और जो मैंने आधा बनाया था कोयल का हाउस, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने आधा बनाया हुआ है इसका हाउस। यहाँ पर बहुत प्यारा इसका हाउस है। अभी सामान आया पड़ा इस टाइम, बहुत गंदा हुआ पड़ा है, तो इसको भी मुकम्मल करते हैं और सामान को निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार। गाइस, जो खुराके वगैरह ना, वो मैं आप पता है मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा खुराके वगैरह ना सारी, ये देखें बाजरा मेरे स्कूलर में, लाभार्ड की खुराक है स्कूलर में, और इसके अलावा जो मेरी मुर्गियों की खुराक है ना उसको मैं रख दूंगा कूलर के अंदर। और वैसे कूलर के अंदर रखने में भी एक मसला है, क्योंकि चूहे पहुंच जाएगी। इसके हाउस बनाने का सोच रहा हूं और कोयल इस टाइम में ना वहीं पर आई बैठी है और अभी छुप के ना, ये देखें मैंने आपको बताया ना कि छुपी हुई जगह पर अंडे देती है। अब ये अंडे देने के करीब है और वो देखें वो वहाँ गई हुई है और ये इस टाइम छुप रही है, और बाकी वहाँ पर सिर्फ एक दो फेरियाँ, वो भी चूजों के डर से। बाकी ये देखें ये छुप रही हुई जगह पर ब्रीड करती हैं। तो यार साहब, जल्दी ही ना इसकी जगह बनानी होगी और ये अंडे देने के बहुत करीब है, बहुत करीब है यार। इन मैंने इसका थोड़ा सा ना नेस्टिंग मटेरियल है वो लबर्स के लिए काम आते हैं, लेकिन इसको ना इस थैले में रहने देते हैं। और इसमें है इनकी कुछ खुराकें और इनको रख देते हैं कूलर के अंदर। ये देखा, ये चूजा करीब आ रहा है, ये देखें इसमें ये खुरतुम वगैरह और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसको कूलर के अंदर रख देते हैं। यार मैंने अपनी सारी कॉम अजूज मजूज की कॉम को खोल दिया, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना खुराकों वगैरह का। तो जो कुछ भी नीचे गिरा ना, ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी धान गिरी है लेकिन ये खराब सी थोड़ी सी, और जो कुछ भी नीचे गिरा ना ये सारी मेरी अजूज मजूज। देखें यार माशाल्लाह कितने बढ़ गया है मेरे खरगोश, और जितना कुछ भी गिरा ना ये सारा कुछ यहाँ पर खा जाएंगे। वहाँ पर कोई भी नहीं अब, क्योंकि वहाँ पर ये सारा कुछ पहले चाट कर। और कहाँ जा रहे हो यार, सारे फौज बना के वापस जा रहे हैं, वो देखें लाइन में कमाल है यार इनकी, सारे वापस जा रहे हैं। तो अब मैंने ना काफ़ी सारे इनका सामान क्लोज कर लिया, बाहर ले गया हूँ, और अब थोड़ा सा बचा हुआ इसको भी सेट कर लेते हैं। और काफ़ी थक चुका हूँ यार मैं अब, तो देखते हैं जितना होता है वापस आ गए सारे। ओए तुम खुश ठहरे हो यार, मेरे चूजे माशाल्लाह बहुत खुश है इस पिंजरे में और बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो यार गाइस, सारे सामान को मैंने बाहर निकाल लिया, अब बस ये पिंजरा और ये डब्बा वगैरह रह गया, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। यार मेरे पास ना कुछ धान पड़ी हुई थी लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी, जैसे वो ना मैंने आज अपने रैबिट्स को डाल दिया, और ये इतने शौक से खा रहे हैं ना, वो चूजे भी खा रहे हैं रैबिट्स भी खा रहे हैं, बहुत शौक से खा रहे हैं। मुझे लगता है आज मैंने रोटी नहीं डाली ना, शायद इसलिए भी थोड़ा शौक से खा रहे हैं कि इन्हें भूख लगी हुई है। और यार इस कोयल को क्या हो गया यार, यार मैं सफाई कर रहा था और ये वहाँ से होती हुई ना पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गया, और पता नहीं इसे क्या हो गया। ठीक है यार, वो नरम जगह पर पहुंची है ना, उसे रेत रेत महसूस हो गया ना, तो उसने उसमें ना ऐसे ऐसे करके, वजह से मुर्गियाँ करती हैं ना रेत में जैसे घुसते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे इनके परों को हिलाते हैं, पता नहीं उसे क्या कहेंगे। तो इसने वही कुछ करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर, ये वो वाली भी, ये वाली भी यही कुछ कर। और ऊपर किसने चढ़ गया यार, ये मुर्गियों की खुराक मैंने अभी ऊपर रखी है ना, तो अभी मैं सेटिंग कर रहा हूँ लेकिन ये ऊपर चला जाता है बाहर बस, और उनसे ज़्यादा को देखो वो भी बाहर आना चाहते हैं। यार चूजों की फीट जब मैं बाहर जाऊंगा ना तब भी ले आऊँगा, अभी भी मैं नहीं लेके आया चूजों की फीट। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि जो 13 नंबर खुराक है ना, यानी कि 13 नंबर तो नहीं कहेंगे इसे, मिक्स फीट कहेंगे, तो यही चूजों को थोड़ी सी डाल दूँ ताकि ये खाना तो स्टार्ट करें ना मैं जब शाम को बाहर जाऊँगा ना। तो यार ये हैं तो इसमें बड़े बड़े दाना, यानी कि चूजे नहीं खा सकेंगे, लेकिन इनमें से जो पसंद आएगा चूजे को वो खा लेगा, जो नहीं आएगा वो जो बच जाएगा वो मैं फिर चूजों को डाल दूंगा। तो यही इन्हें डाल देते हैं ताकि ये खाना स्टार्ट कर दें अपनी फीड, और भूखे ना रह जाएँ। मैं जैसे ही आज असर के टाइम या जब भी बाहर गया ना तो इनके लिए फीड लेता आऊँगा, काफ़ी इनके लिए मेरे ख्याल में। इतनी भूख तो नहीं लगी तुम्हें हैं, अरे चल भूखो, अरे देखिए कोयल भी आ गई है, चूजा भी आ गया है, ये वाले चूज़ों की है, ये नाई वाले चूज़ों की, नाई वाले बच्चों की है। चलो भाई खाओ, खाना स्टार्ट करो। शाबाश, एक ने खाना स्टार्ट कर दिया है और दूसरे ने भी खाना स्टार्ट कर दिया। यार कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, यार मेरा पसंदीदा चूज़ा कहाँ गया, हाँ ये ठहरा है माशाल्लाह माशाल्लाह। यार बल्कि ये कोयल का झूठ है, हम इसको नया रखते हैं, ये ना बीमार हो जाएंगे, क्योंकि किसी का झूठा किसी को नहीं देना चाहिए। यार इस सामान को मैंने अब सेट कर लिया, जितना होना था हो गया। अब यहाँ पर कुछ गंद मचा पड़ा, लेकिन इस गंद को मैंने अभी साफ़ नहीं करना, इसकी एक रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न भाई ये है कि ना इसको मैंने साफ इसलिए नहीं करना कि जी इसमें पड़ी हुई है बहुत सारी खुराक, और जो खुराक पड़ी हुई है ना वो इन्होंने खानी है। अभी जब इनका पेट भर जाएगा, खुराक ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं इनको फोल्ड करना है। काफ़ी अर्सा यहाँ पर चूहे भी नहीं आए और यहाँ पर कोयल भी नहीं आ सके, तो आप बहुत सारी खुराक पड़ी हुई है, जब ये ख़त्म होगी तभी इस खुराक को समेटूंगा। आप मैंने इसे गंद नहीं समझना,
ठीक है ना, आपने से गाँव नहीं समझना, ये समझे खुराक पड़ी हुई है इनके लिए, और जैसे ये खत्म होगी ना तब मैं इनकी सफाई कर लूंगा। यार सबर करो यार, कर ले तो यार, क्या जल्दी है, जल्दी क्या है, बस अपना इनको फिलहाल फोल्ड करते हैं, और जो कोयल वहाँ पर गई हुई है ना ये दरवाज़ा खोलने से ही उठ जाएगी, तो इसको उठा के अंदर फेंक देते हैं। ओए बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, चल भाग यहाँ से। इनका पेट ना आज इसी धान से ही भर गया, और ये इसी को ये देखे अभी तक वैसे की वैसे पड़ी हुई है, और इनका पेट अब फुल हो गया तकरीबन। ये वापस जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, रवाना है वहाँ वापसी। लगे पड़े हैं यार सारे, लगे पड़े हैं, सारों को ही भूख लगी थी, और अब ये खाने ने स्टार्ट कर दिया। यार ये तो गुस्से वाला है, ये देखें यार ये तो गुस्से वाला है, मुझे लगता है हो सकता है प्यास लगी हो। पानी पीना है, आ जाओ पानी पी लो। यार पानी इसमें मैंने रखा है क्योंकि ये अभी छोटे हैं ना, तो इसमें अगर पीना होगा ना इन्होंने पी लेंगे, क्योंकि वरना अगर बड़ा बर्तन रखूँगा इसमें का दिन का पूरा नहीं आएगा। यार गाइस अब मुझे थोड़ा सा ख्याल है, मैंने कहा ये ना हो कि ये पानी ख़त्म हो जाए और ये बेचारे प्यास से मर जाएं, क्योंकि 20 चूजे हैं ना यार, तो अब मैं यही सोच रहा हूँ इनके लिए ना एक ये वाला पानी का बर्तन भी रख रहा हूँ मैं, ताकि अगर इसमें ये देखें मैंने पानी इसमें फुल नहीं भरा, मैंने इसमें पानी आधा भरा है, ताकि अगर इसमें कोई घुस जाता तो वो निकल भी सके आसानी से, और अगर वो पानी ख़त्म हो जाता तो ये वाला पी लेंगे। भूख इन्हें लगी हुई थी, इन्होंने जितना खाना था अब खा लिया, और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनको बंद कर देते हैं इससे पहले कि ये निकल जाए, और कोयल को वापस अभी यहीं पर छोड़ना। भाई अंदर किस ले रहे हो, भागो भाई भागो, बाय। यार कोयल को मैंने पकड़ने का ना एक थोड़ा सा रास्ता ढूंढा है, वो पता है क्या है, आइडिया सुने मेरा आप। ये देखिए मैं पकड़ता हूँ चूजे को, और चूजे से ना फिर मैं कोयल को अपनी जगह पर ले जाता हूँ। ये देखना अभी आप, ये अभी वापस अपनी जगह पर जाएगी जहाँ पर इसने जाना है। ओए अंदर क्यों चली गई है। यार कोयल को अब मैंने अच्छी तरह वहाँ पर कर दिया, साथ के साथ कोयल वहाँ पर हो गई है। अब चूजों को बाहर लेके आना है, और खरगोशों को बाहर लेके आना है, और फिर इन्हें इस हिस्से से निकाल के उस हिस्से में छोड़ना है। यार यार बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है मेरे लिए, मैं जैसे जाता हूँ ये सारे मिक्स हो जाते हैं, खरगोश चूजे, अब तो छोटे चूजे भी इनके साथ मिक्स हो जाया करेंगे थोड़ी देर, थोड़े अर्से बाद चूजे खरगोश और ये कोयल वगैरह सब मिक्स हो जाती है, और इनको अलग करना ना बहुत बड़ा फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। अब देखें चूजा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 कोयल्स हैं यहाँ पर, और सात पाँच चूजा ये पटेर है। अब इन दोनों को बाहर निकाल देना, यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, इनका चेंज ओवर कर दें, भागो भागो। फाइनली 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 चूजों में पानी रख दिया, खुराक रख दी, इनका भी खुराक और पानी हो गया कोयल्स का, और चूजों और इनका भी हो गया। तो ठीक है गाइस आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। एक यार कोयल का घर ना समझे मैंने बनाना था, लेकिन वो वहीं पर रह गया, और जहां से स्टार्ट किया था समझे सफाई हुई है आज सिर्फ, और इसके अलावा वो वहीं पर रह गया। हाँ तो ठीक है गाइस आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।